आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी ये कटहल की दम बिरयानी, जिसको खाने के बाद आप बाकी की सारी बिरयानी भूल जाने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी होता है कटहल खाने में, और इसकी बिरयानी जिस तरीके से आज मैं बनाने वाली हूँ तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है, एकदम मुगलई स्टाइल में। कटहल में विटामिन ए सी, बहुत ज़्यादा फाइबर प्रोटीन होता है, तो हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी। तो इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें, वेजिटेरियन लोगों के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ये। तो इसके लिए मैंने लिया है, ये 1.5 का प्राइस है, इसे मैंने 20 मिनट के करीब सोक कर लिया था पानी में, और अब मैं गर्म पानी में, देखिए 2 तेज पत्ते, ये 2 बड़ी इलायची, ये 2 दालचीनी की स्टिक, 2 हरी इलायची और 4-5 काली मिर्च और 4-5 लौंग मैंने ऐड किया है पानी में, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब ये जो सोक्ड राइस हैं इसको मैं इस पानी में कुक कर लूँगी, लेकिन पूरा कुक नहीं करना है, लगभग 80% कि ये गले ना, मतलब पूरा कुक ना हो, थोड़ी सी कसर जो रह जाती है। तो ये देखिए कुक हो गया है, तो मैंने इसका पानी निकाल दिया है, इसको साइड में रख लेते हैं। अब ये कटहल है लगभग 1/2 किलो, इसे मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया है, पानी इसका निकाल दिया, इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। कटहल की ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिरयानी होती है, इसको अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन करना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये कच्चापन इसका बिल्कुल निकल जाए। और इसी ऑयल में ये मैं बारीक कटा हुआ लंबा लंबा स्लाइस्ड ऑनियन, एक बड़ा प्याज मैंने ले लिया था, इसको भी मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी बिरयानी में स्प्रिंकल करने के लिए। और ये कटहल है जो अभी फ्राई किया था, उसमें नमक मैंने ऐड किया है, लाल मिर्ची पाउडर और ये गरम मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक तरीके से मैरिनेशन है ये मसालों का। और अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये बारीक कटा हुआ प्याज, इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, और ये मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया है, ये चिली पाउडर 1 चम्मच, नमक आप इस वक्त टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी मसाले में भी नमक है और मैंने पहले भी ऐड किया है तो मैं अभी नहीं ऐड कर रही हूँ। और ये 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें एकदम फ्रेश कर्ड ऐड किया है, दही, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो नमक पहले भी चावलों में डाला था, कटहल में भी हमने नमक लगाया है, तो आप उसी हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। और ये जो कटहल हमने फ्राई किया था और मसाले मिक्स किए थे, उसको हम पहले इसमें डाल देंगे, जो हमने एक ग्रेवी बनाई है। गैस को इस वक्त थोड़ा स्लो कर लेंगे, अब हम लेयर कर लेते हैं सब चीज़ें। तो ये राइस है जो कि हमने बॉईल किया था, इसका एक पोर्शन हम इसमें डाल देंगे, हाफ मतलब क्वांटिटी। और इसके ऊपर अब मैं ये जो कटहल है, थोड़ा मैंने पहले ऐड किया, अब लगभग 3 पार्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये मैंने इस पर कटहल स्प्रिंकल किया है, ये धनिया पत्ती और पुदीने की पत्तियाँ हैं, ये जो प्याज हमने ये भुना था वो, ये अदरक के स्लाइसेस, हरी मिर्ची और ये सैफ्रॉन का पानी है, केसर मैंने भिगा लिया था पानी में, तो 2 से 3 चम्मच ये अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बाकी का बचा हुआ हम बाद की लेयर में ऐड करेंगे। ये प्याज भुना हुआ, जिससे बिरयानी में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर आता है, और ये देसी घी अपने स्वाद के हिसाब से। और अब बाकी के बचे हुए सारे राइस हम इस पर लेयर कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बिरयानी बनती है, ये देखिए इसमें केसर का, स्पाइसेस का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और कटहल तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बाकी का बचा हुआ पूरा कटहल मैंने इस पर स्प्रिंकल कर लिया है, ये धनिया पत्ती, ये पुदीना पत्ती, ये बाकी की बची हुई स्लाइस्ड अदरक की, और ये है हरी मिर्ची, और ये बाकी का पूरा बचा हुआ सैफ्रॉन। तो मैंने लगभग 1 पिंच सैफ्रॉन को पानी में भिगा लिया था पहले, और ये सारा सैफ्रॉन का जो पानी है केसर का, हम इस पे
स्प्रिंकल कर देंगे और ये देसी घी ऊपर से भुना हुआ गोल्डन ब्राउन अनियन, जो प्याज हमने फ्राई किया था वो, और ये देखिए अब हम इसे लगभग 10 मिनट के लिए ढक के दम होने के लिए इसको रख देंगे। और ये 10 मिनट बाद देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही एरोमेटिक बिरयानी बनके रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये हेल्दी टेस्टी इसको खीरे के रायते के साथ या अपनी पसंद के किसी भी रायते के साथ सर्व कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये बिरयानी की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।